तो वहीं यूपी में तेज बारिश के चलते कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित लखीमपुर खीरी है। यहाँ पास तहसीलों के 350 गांवों में पानी घुस गया है। वहीं ललितपुर में बारिश से गोविंद सागर बांध के 4 और गेट खोलने पड़े। पहले से ही 16 गेट खुले हैं, इससे आसपास के इलाकों में पानी भर गया। शनिवार को उत्तराखंड और यूपी में भारी बारिश के चलते 4 लोगों की मौत हो गई। उत्तराखंड के नई टिहरी में भूस्खलन से एक माँ बेटी की भी मौत हो गई, जबकि उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में अपने गाँव में बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में 24 जुलाई को पुणे में हुई भारी बारिश से 26 साल के शख्स का शव शनिवार को बरामद हुआ। पुणे में बुधवार से अब तक 6 लोगों की मौत हो गई है। वहीं नवी मुंबई में शनिवार को एक इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई और 2 अन्य लोग घायल हो गए। मौसम विभाग ने आज 22 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।